हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5th का जो 8th पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम जो उसका 9th पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें दिया है कि कोसिक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोलता है कि हमें जो ये दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड वो मैं इस तरह से दिए, 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। तो जैसा आपको पता है कि जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट हमारा होता है साइन अपॉन कॉस, प्लस जो कॉट है हमारा वो हमारा होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले टर्म्स से इनका हम एलसीएम कर देंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 अपॉन, अब इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आएगा, जब हम कॉस ए इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वेयर ए प्लस, जब हम साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी 1 के पास, तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, क्योंकि जो साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आई वैल्यू राइट हैंड साइड की। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी सेम ऐसी निकालनी है, ठीक है, कि साइन ए और कॉस ए हमारे पास आना चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इस तरह से राइट हैंड साइड को लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने टेंजेंट को साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में चेंज किया, और जो कॉट है उसको भी हमने कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में चेंज किया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद जो नीचे वाली टर्म्स है उसको हम ऊपर ले गए, तो ये इस तरह से बन गई। और जो नीचे वाली टर्म है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास इस तरह से साइन ए इंटू कॉस ए जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आई, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इसमें जब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कोसिक है और जो सीकेंट है उसको हम कॉस की फॉर्म में लेके आएंगे और कोसिक को हम साइन की फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू सॉरी माइनस साइन ए, और यहाँ पे आएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब ये थोड़ी इजी टर्म बन गई है देखने के लिए भी। अब हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लें फिर हम इसको सॉल्व करें, या हम इसको डायरेक्टली ओपन कर दें, ठीक है। तो पहले हम इस तरह से करेंगे 1 अपॉन साइन ए इंटू ये दूसरी ब्रैकेट पूरी, 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, ये आ गया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और दूसरे में आएगा माइनस साइन ए, और ये वाली ब्रैकेट फिर से 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले हमने जो कोसिक है उसको 1 अपॉन साइन के फॉर्म में लेके आए,
और सीकेंट को हमने 1/cos की फॉर्म में लेके आए। उसके बाद हमने सिर्फ ये ब्रैकेट इसको ओपन किया है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1/sin a cos a माइनस cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस sin a cos a। तो हमारे पास यहाँ पे आई 1, 2, 3 और 4 टर्म, ठीक है। फर्स्ट हमारा 1/sin a cos a, दूसरी हमारे पास cos a अपॉन sin a, तीसरी है sin a अपॉन cos a और चौथी है sin a cos a। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी टर्म्स का हम एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। नहीं तो हम इस तरह से कर सकते हैं, पहले जो ये बीच वाली टर्म्स है हम इनका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 1/sin a cos a ये फर्स्ट टर्म थी, इसको हमने वैसे रहने दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं कि माइनस को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस हमने बाहर लगा दिया है और ये दोनों टर्म्स अंदर प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो इनका जब हम एलसीएम करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा sin a cos a, ठीक है। और जब हम साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस cos² a प्लस, जब हम कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए sin² a, और साथ में हमारे पास बचा है साइन ए कॉस ए, ये आ गया साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो sin² a + cos² a या cos² a + sin² a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इनकी जगह हम 1 लिख देंगे तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा 1/sin a cos a माइनस, अब 1/sin a ये प्लस में है वैल्यू, ठीक है, बट बाहर माइनस दिया है तो ये बन जाएगा 1/sin a cos a माइनस का, ठीक है, और प्लस sin a cos a। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी है बट इनके साइन अलग अलग है तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट सिर्फ रहता है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू भी हमारे पास साइन ए और कॉस ए आई थी, ठीक है, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए आई है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है और जितनी भी हमने इसमें प्रमेय का यूज़ किया है, जो भी सर्वसम्मिका हमने यूज़ किए थ्योरम्स, ठीक है, उनका आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से उनको अपने यूज़ करना है, ठीक है। तो आज फिर इतना ही करते हैं।